For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. कलर्स टीवी के शो नागिन 3 की कहानी में आपने देखा कि कैसे श्रावणी की नई कहानी शुरू हो गई है, लेकिन विश्वविक्रांत कहाँ है अभी तक इसका खुलासा नहीं किया गया है शो में। आप सबको याद होगा कि कैसे कहानी जब 2 साल आगे बढ़ती है तब विश्वविक्रांत को दिखाया गया था, लेकिन 24 साल बाद की कहानी में विश्वविक्रांत कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद अब हम आपको बता देते हैं कि आने वाले ट्रैक में अब काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं नागिन में। और ऐसे में एक तरफ तो श्रावणी को उसका अतीत पता चल जाएगा और उसे ये भी पता चलने वाला है कि आखिर बेला कौन थी, तो वहीं दूसरी ओर अब विश्वविक्रांत की भी होने वाली है शो में री एंट्री। जी हाँ, आपको हम जानकारी दे दें कि विश का एक नया अवतार आपको नागिन के पूरे ट्रैक में देखने को मिलेगा और इस बार भी विशाखा पहुंच जाएगी अपनी दोस्त यानी कि श्रावणी के पास, और ऐसे में वो श्रावणी की मदद भी करेगी और इस बार दोनों मिलकर इंतकाम की कहानी को पूरा करते हुए नजर आने वाली हैं। तो अब देखना मजेदार होगा कि शो के ट्रैक में कैसे अंत होता है तामसी का। फिलहाल हमारे स्टोरी में बस इतना ही। नागिन 3 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। Top News से काजल की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.